ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज जब पूरी दुनिया हथियारों को खरीद रही है, अपने रक्षा बेड़े को मजबूत करने में लगी है, तो सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले युद्ध के बीच हथियार क्यों उपलब्ध कराने वालों में किन किन देशों का नाम शामिल होगा। किसी और देश का शामिल हो या ना हो, एक देश का नाम सबसे तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों में भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर हथियार बनाकर हथियारों को बेचा है। भारत जबरदस्त तरीके से अपने हथियारों की क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। दुनिया तक हथियार पहुंचाकर अपने बेड़े को तो मजबूत कर ही रहा है, अपने व्यापार को भी बढ़ा रहा है। भारत ये बात पूरी तरीके से समझ चुका है कि किसी भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हथियारों की मौजूदगी सबसे बड़ा बाजार है, और इसी बाजार में व्यापार भारत ने शुरू कर दिया, जिसका अब सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत ने तकरीबन 21,000 करोड़ के हथियार बेच दिए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के हथियार खरीदने वालों में सबसे ऊपर अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया का नाम है। बात अगर अमेरिका और फ्रांस की करें तो वो भारत से कई ऐसे हथियारों से जुड़े कलपुर्जों को खरीद रहा है जो उसके हथियारों में लगाए जाते हैं। चीन को छोड़कर अब अमेरिका भारत में बने कलपुर्जों को इस्तेमाल करना चाहता है। वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है जो अमेरिका और फ्रांस अपने हथियारों में लगा रहे हैं। बात अगर आर्मेनिया की करें तो आर्मेनिया तो भारत से पूरे के पूरे मेड इन इंडिया हथियारों को खरीद रहा है। आर्मेनिया भारत के तैयार किए गए हथियार प्रणालियों को खरीद रहा है और वो सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 mm आर्टिलरी गन इसमें शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य बिक्री 2023 और 24 वित्त वर्ष में तकरीबन 21,083 करोड़ रही है। 21,083 करोड़ का मतलब लगभग 2.6 बिलियन डॉलर, जिसमें आर्मेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस टॉप 3 में शामिल हैं। भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां अब लगभग 100 देशों को हथियार, गोला बारूद और फ्यूज की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात कर रही है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर 228 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट और बख्तरबंद गाड़ी जैसे हथियार शामिल हैं। भारत हथियारों को बेचकर अपने बेड़ों को मजबूत कर रहा है। यह हथियार न सिर्फ भारत के पास भी उपलब्ध है, बल्कि भारत इन्हें बेचकर अपने बाजार को मजबूत कर रहा है, जिसके बाद दुनिया का भरोसा अब भारत पर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।